ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतु श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय रूप सनातन भट रघुना श्री जीव गोपाल भट दास रघुना। ऐ जय गोसाई करी चरण बंदन जाहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप
सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म वितरिता प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन, क्योंकि आज हम लोग वैष्णव का गुणगान श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए हम आज सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोग अभी अगले महीना 11 तारीख से ठाकुर जी का झूला पड़ेगा। एक प्रभु जी बड़े सुंदर झूला के भजन गा रहे थे ना, राधे झूलण पधार जो कि आए बदर। इसलिए दूसरे दिन से हमारे संप्रदाय के जब सबसे बड़ी जो महापुरुष है श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव बदला, उसी दिन उन्होंने झूला में ही उन्होंने शरीर को छोड़ा था, समाधि स्थल हुए थे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं उस दिन तक उनकी कथा सुनेंगे। और श्री चैतन्य चरितामृत में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम कहते हैं रूप शिक्षा। क्या नाम है? रूप शिक्षा है। श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी को प्रयाग में बड़ा सुंदर उन्होंने उपदेश दिया है, बड़ा ही सुंदर उपदेश। और वो उपदेश महाप्रभु स्वयं अपना मुखार बिंद से श्री रूप गोस्वामी को सुनाया। यदि जो रूप शिक्षा है, यदि ये चैतन्य चरितामृत में विशेष करके उसमें पांच कपी है, गुरुदेव उसमें विशेष करके पांच कपी है। जैसे भागवत में है, भागवत में यदि श्री भागवत का जो सार है बताए, जैसे भागवत कृष्ण स्वरूप कहते प्रथम द्वितीय स्कंध ठाकुर का दो चरण कृष्ण, तृतीय चतुर्थ स्कंध बल भगवान की दो गुरु, पंचम स्कंध बल कृष्ण के नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध उनकी दो भुजाएं, अष्टम स्कंध भगवान की बख्यस्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध भगवान की मुखार विंद, एकादश स्कंध ललाट और द्वादश स्कंध भगवान कृष्ण की सर। लेकिन उसमें सार क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को देखो हैं, किसी व्यक्ति को देखो हम कैसे पहचानते हैं ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है? अगर उसका सर को छुपा दो ना, पूरा शरीर को दिखाओ ये कौन है, हम पहचान नहीं पाए। लेकिन शरीर को छुपा दो केवल उसका मुख दर्शन करा दो, आप पहचान जाएंगे ये कौन है। ये श्री श्यामानंद और ये श्यामानंद कहते अपने आप केवल उनका मुंह देखने पर पता चल जाता है हमको भी। उसी तरह बताया भागवत में कहते कृष्ण का मुखारविंद क्या है, कहते सिर्फ दसम स्कंध। मतलब है भागवत का जो सार है ये भगवान कृष्ण की कथा ही भागवत का सार। लेकिन एक व्यक्ति सुखी ना दुखी हम कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अगर वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है ना, हम पता चलेगा कोई आपके आदमी सुखी। अगर हम मुंह लटका कर बैठा हुआ तो क्या पता चलेगा ये दुखी है। फिर उसी तरह जैसे कहते दसम स्कंध तो भगवत का सार है, लेकिन उसमें क्या सार है? कहते उसमें जो मुस्कुराहट किया, बोले मुस्कुराहट है भगवान की रास लीला, रास लीला मुस्कुराहट। लेकिन रास्ता में कहते उसने पांच अध्याय, कितना अध्याय? पांच अध्याय। कहते पांच अध्याय क्या है? ये मुस्कुराहट है और उसमें पांच अध्याय बताए ये भागवत का पंच प्राण है। अगर एक व्यक्ति है, अगर उसका शरीर से प्राण को निकाल दो, फिर शरीर का कोई महत्व क्या है? शरीर का कोई महत्व। कहते उसी तरह गुरुदेव कहते थे कि जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में एक दिव्य ग्रंथ है, ये एक दिव्य ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। ये ऐसे एक दिव्य ग्रंथ है,
एक समय प्रभुपाद ने सारे शिष्यों को प्रश्न करते क्या प्रश्न किया, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा एक ग्रंथ है अगर पृथ्वी से सारे ग्रंथ अगर अंतर ध्यान हो जाए और केवल जगत में एक ही ग्रंथ रहेगा, सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए, केवल एक ही ग्रंथ रहेगा, जो एक ही ग्रंथ वो सारे ग्रंथों का अभाव पूरा करेगा, बताओ कौन सा ग्रंथ? किसने बताया श्रीमद् भागवत है, किसने बताया कि भगवद गीता है, और किसने बताए हैं कोई वेद बताए है? अलग 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 बात बताए, लेकिन प्रभुपाद ने बताए यदि दो ग्रंथ विशेष ग्रंथ है, एक श्रीमद् भागवत है और एक श्री चैतन्य चरितमृत, यदि अगर ये दोनों ग्रंथ में यदि अगर श्रीमद् भागवत ग्रंथ अगर अंतर ध्यान हो जाए, अगर एक ग्रंथ अगर दुनिया में रह जाए, ये कौन सा ग्रंथ है? श्री चैतन्य चरितमृत, एक ग्रंथ अगर एक ग्रंथ दुनिया में रहेगा ना, तो सारे ग्रंथों का अभाव पूर्ण एक ही ग्रंथ करेगा, इतने महत्वपूर्ण श्री चैतन्य चरितमृत। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले एल गौर रस नदी कादंबिनी होए भसाई लगौर देश प्रेम वृष्टि दीजिए। कृष्णदास कविराज रस रमनाई ठाकुर कहते हैं कहते कृष्ण को ग्रंथों को रचना किसने किया है, जैसे कृष्णदास कविराज, क्या नाम है कविराज, ये दो तरह का ही कवि है, कहते कविराज एक को कविराज किसको कहते कविराज, जो वैद्य को कहते डॉक्टर को भी कविराज कहते, और दूसरा आते हैं कवियों में जो राजा, ये कवियों में राजा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये कवियों में राजा है और वैद्य कवि ये कविराज है, ये ऐसे दवा देते हैं ना, साधारण जो कविराज दवा तो देते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर बीमार में पड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे एक दवा दिए हैं जो दवा पे एक बार पान करो ना कभी कभी बीमार पड़ोगे नहीं, और चिरकाल के लिए सारे बीमार से मुक्त होकर के कहाँ चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ, उन्होंने ऐसे दवा दिया, बोलो दवा क्या है, बोले भगवान की भक्ति भगवान की प्रेम है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे, बोले श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखे, श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में विशेष करके उसमें पांच कवि, कितना कवि है, देखो आप जो कथा सुन रहे हो ना थोड़ी थोड़ी याद है, ठीक है, ऐसे नहीं आए सुने और चले, कुछ ना कुछ दुनिया की तो बहुत सारी कथा को हम याद रखते हैं, अगर ठाकुर का कथा याद रखेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर आप कथा सुन भूल जाओ, जब मथुरा में थे ना हम लोग, जब बड़ी गुरु जी कथा करते थे, पहला दिन जो कथा बोलते थे दूसरे दिन सबको पूछते थे तुम बताओ, इसलिए क्या होता था जितने सब हम लोग थे ना, सब उसी समय में जितने हम भक्त थे, माता महाराज थे हमारे, तीर्थ महाराज थे, बद महाराज थे, हैं, इसलिए अभी जितने बड़े बड़े अभी जितने महाराज हैं तो सबके सब काफी लेकर बैठे सब बहुत करते थे, क्यों दूसरे दिन गुरुदेव प्रश्न करेंगे, दूसरे दिन गुरुदेव प्रश्न करेंगे तुमने क्या सुना बोलना पड़ेगा, इसलिए सबके सब काफी लेकर बैठते थे और रोज एक एक श्लोक देते थे, और जो कथा सुनाते दूसरे दिन उसको प्रश्न करते थे, पूछते थे और खड़े भी करते तुम बोलो हम बोलो, इसलिए कथा सुनना उसको याद रखना, ठीक है, याद रखना और तुम्हारे जो पड़ोसियों को भी सुना, सुना करके उनको भी भगवान की भक्ति में लाना, ठीक है, इसलिए कहते जो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में विशेष करके उसमें जैसे भागवत में पंच प्राण है, कहते चैतन्य चरितमृत में भी उसमें पंच प्राण है, पांच विशेष टपिक है, विषय है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टपिक है,
तो क्या किया है, कहते तो उसमें पहला नंबर है श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है, जिस रथ यात्रा को महापुरुष स्वयं बनाए करते थे, स्वयं भक्तों को लेकर के ठाकुर के साथ में कीर्तन करते थे और स्वयं गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे, इसलिए पहला ये कभी किया। फिर दूसरा कभी किया है महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को, उन्होंने जो शिक्षा प्रदान किया अद्भुत शिक्षा, इस बार तो हम रुको शिक्षा सुनेंगे कभी सनातन शिक्षा है, इसलिए कि सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है। कहते जो तीसरा जो टप्पी किया उसमें कहते महाप्रभु ने एक सार्वभौम भट्टाचार्य हुए बड़ा विद्वान, वो मायावादी सन्यासी, मायावादी मतलब है जो भगवान को ब्रह्म 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 मानता है, उनको साथ में महाप्रभु का जो डिस्कशन हुआ, महाप्रभु कैसे उसको खंडन करके वो जो भगवान को निराकार 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 बोलता है, लेकिन महाप्रभु उनको सारे खुले सब को खंडन करके भगवान को जो साकार रूप में स्थापन किया, भगवान प्रेम स्वरूप भक्ति स्वरूप भगवान, इसलिए ये एक टॉपिक है। कितना हो गया? तीन हो गया। और जो चौथा जो टॉपिक है महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को जो उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, जिसको कहते रूप शिक्षा है, जिसको कहते हैं श्री रूप शिक्षा, ये एक टॉपिक। कितना हो गया? और कौन सा रह गया? हाँ, और एक अद्भुत टॉपिक है जिसको कहते श्री महाप्रभु जो राय रामानंद महाप्रभु के भक्त थे, जैसे भगवत गीता है, गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं, और वहां पर कृष्ण प्रश्न करते हैं और अर्जुन उत्तर देते हैं और विशाखा सखी उत्तर देते हैं, वो एक टॉपिक है, अद्भुत टॉपिक है। ये पांच जो उसमें विषय है वो अद्भुत विषय है, लेकिन उसमें एक जो विषय है श्रीमान महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को जो उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, बहुत सुंदर कथा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जितना देर रुकेंगे कोशिश करेंगे महाप्रभु उनको क्या क्या शिक्षा दिया है, बढ़िया शिक्षा है, अगर आप उसको याद कर लोगे ना शिक्षा को, आप किसी को भी बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुना सकते हो। कोई बोलेगा ना हमको भक्ति करने का क्या जरूरत है, हम तो संसार में खा रहे हैं पी रहे हैं, बीवी बच्चे बड़े आनंद में रह रहे हैं, जब हम आनंद में रह रहे हैं फिर हमको भगवान की ये भक्ति करने का क्या जरूरत है, इसलिए भक्ति करने का क्या जरूरत है, कि उसमें इस विषय को बड़े सुंदर रूप में इस विषय को ने विवेचना किया है। एक बार हाथ कर रहे हैं, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया उसको हम लोग श्रवण करेंगे। अभी प्रश्न है कि जो रूप गोस्वामी है वो रूप गोस्वामी ये कौन है, आज हम लोग कोशिश करेंगे उनका जो दिव्य चरित्र है, उनका जो दिव्य जीवन है, वो कैसे भगवान को पास में आए, महाप्रभु के पास उन्होंने कैसे उनका हिला बच्चा जी, इसलिए श्री महाप्रभु के पास में ये आए तो आए कैसे है, और इन्होंने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है, इसलिए आज हम लोग इन्हीं को ऊपर में विवेचना करेंगे। इसलिए इनका जो नाम है, क्या नाम है, कहते इनका नाम से रूप है, कहते ये रूप नाम दिया किसने, कहते जो नाम है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम श्री रूप, श्रीमन महाप्रभु का नाम रूप। बोले भैया इनका नाम उन्होंने रूप क्यों दिया, इनका नाम उन्होंने रूप क्यों दिया, बोले इसलिए इनका नाम रूप दिया, कहते श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को ऊपर एक अष्टक लिखे,
वो अष्टक में कहते हैं रूप मतलब होता है कि किसका रूप है, बोले ये महाप्रभु का भी रूप है, कभी ये कृष्ण का भी रूप है, बोले श्री राधा रानी का भी रूप है, कभी ये ललिता सखी का भी रूप है, ये विशाखा सखी का भी रूप है, कभी जितने भक्त है ना, कभी ये सबका रूप श्री रूप गोस्वामी, ये सबका रूप है। इसलिए सभी का हृदय में जो भक्ति है वो सारी भक्ति इनके हृदय में भी वो सारे भक्ति विद्यमान है। इसलिए कभी कर्णपुर एक हुए वो कहते हैं बोले प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजादि रूपे तथांग रूपे सुविलास रूप, उनको छह रूप आख्या दिया है। उनका जो नाम रूप है वो किसका किसका रूप है, वो छह उन्होंने छह रूप का उदाहरण दिया है। महाप्रभु का जो अत्यंत प्रिय स्वरूप है, इनका अभिन्न स्वरूप है महाप्रभु, इनको द्वारा सारे शास्त्र ग्रंथ को उन्होंने प्रचार किया है, विस्तार किया है। कभी इनके विलास का भी रूप है, इनका प्रेम का भी रूप है, हैं? कभी ये सबका रूप श्री रूप गोस्वामी है। कभी ये रूप गोस्वामी ये कृष्ण लीला में कौन थे, कृष्ण लीला में ये कौन थे, कृष्ण लीला में कभी ये राधा रानी की अत्यंत अत्यंत प्रिय एक सहज है, एक अत्यंत प्रिय सखी है, हैं? इसलिए इनका नाम श्री रूप मंजरी, कृष्ण लीला में ये रूप मंजरी अत्यंत राधा रानी की प्रिय ये एक सहज है। जब तक इनकी कृपा नहीं होगा ना, कोई भी भगवान की लीला में वहां प्रवेश नहीं कर सकता। जब इनके आदेश कृपा होगी, इनके अनुगत्य में चलेंगे, फिर वही व्यक्ति ही भगवान की लीला में प्रवेश करेगा, नहीं तो प्रभु की लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने साधु हुए सब साधु सबके सब बोले इनकी अनुगत्य की प्रार्थना किया है। कहते श्री नरोत्तमदास ठाकुर हैं, नरोत्तमदास ठाकुर जो भी वो भी यही कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले रूप रघुनाथ पदे आईवे अतोति कवि आप बोझके युगलपीति रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर वास प्रार्थना करै सदा नरोत्तम दास। इनकी चरण में प्रार्थना करते बोले रूप रघुनाथ पद कबे हम तुझे बसे जुगल, मतलब क्या, जब श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ गोस्वामी कृपा करेंगे तभी राधा कृष्ण की जो जुगल रस है, उनका जो जुगल प्रेम है, तभी किसको प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे आस कहाँ पर रहे, रूप रघुनाथ पदे रहो मर आस, इनके चरण में आस। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले सुनिया ची साधो मोहे बोले सर्व जन श्री रूप कृपाए युगल चरण। हमने सुना है श्री रूपक में, सबसे मैंने यही सुना है, क्या सुना है बोले श्री रूप गोस्वामी का कृपा से ही राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए कभी लोकनाथ मरे संग लिया जावे श्री रूप पाद पर में मरे समर्थि, कहते इसका मतलब है कब ऐसे दिन होगा, बोले कौन सा दिन, कहते हम डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा हम प्राप्त नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपना गुरु जी की चरण में शरणागत, पर सबसे पहले भक्ति हमारी गुरु जी की चरण में। अगर कोई बोले कि नहीं गुरु जी की थोड़ी जरूरत है, हम तो डायरेक्ट भगवान पास में राधा रानी के पास में पहुंच जाएंगे, बोले नहीं पहले गुरु जी की चरण में जाएंगे, गुरु जी फिर हमें कृपा करके उनको गुरु जी के पास में पहुंचाएंगे, फिर उनको गुरु जी लेकर के उनकी गुरु जी के पास में, फिर उनको गुरु जी लेकर के उनको गुरु जी के पास में, फिर हमें लेकर कहाँ पहुंचाएंगे, बोले श्री रूप गोस्वामी के पास। फिर रूप गोस्वामी ये रूप मंजरी फिर हमें कहाँ ले जाएगी,
फिर यहाँ पे ले जाएगी श्री ललिता सखी के पास, फिर ललिता सखी क्या करेगी, फिर हमें लेकर के श्री राधा जी के पास में, ललिता सखी हमें लेकर के श्री राधा जी के पास में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम कोई डायरेक्ट कोई कृष्ण के पास में, कोई राधा रानी के पास में नहीं पहुंच सकते, इसलिए लास्ट में श्री रूप गोस्वामी के पास में जाना पड़ेगा, फिर ये हमें लेकर के ठाकुर जी की सेवा में ये जला सकते। इसलिए इनकी कृपा के बगैर ना कोई भी राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी हुए सबके सब इनकी चरण की वंदना की, सबके सब इनकी कृपा को प्रार्थना की। लेकिन इनका जो दिव्य चरित्र है वो अद्भुत है, महाप्रभु के पास में कैसा है। साधारण लोगों का जो भावना है ना, ये भक्ति कौन करता है, बोले भक्ति वही करते हैं जो कितने लिखा पढ़ा सीखे नहीं, कोई पैसा कमाएगा कोई उपाय था ही नहीं, है कोई पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं मिला है, और कोई धंधा नहीं कर पाए, इसलिए घर बार छोड़ दिया और भीख मांग करके अपना जीविका निर्वाह करते। यदि ये साधारण लोग का ना ये धारणा हमारे भारत में, लेकिन आप जितने चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्तों का कथा सुनोगे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अभी इनकी कथा सुनेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की आप कथा सुनोगे हैं, आप देखोगे ये दोनों उसी समय में साधारण व्यक्ति नहीं, नवाब जो राजा की एक प्राइम मिनिस्टर था, बड़े भाई छोटे भाई रुपया पैसा की जिनके पास में ट्रेजरी था, जिनके पास में ट्रेजरी था, जिनके पास में सनातन गोस्वामी हम तो नौकरी पाने के लिए निष्पत्त देते हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए निष्पत्त दिया, पता कितना पैसा दिया, 7000 स्वर्ण मुद्रा। अभी कितना पैसा होगा सर, 7000 स्वर्ण मुद्रा है, अभी कितना पैसा हो, अरब खरब रुपया इन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी को छोड़े, बोले नौकरी छूट जाए और हम वृंदावन जाए और जा करके भगवान की भक्ति करें। और ये दोनों भाई रूप और सनातन, सनातन बड़े भाई, रूप छोटे भाई, इतने भजन किया, हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर उनको दर्शन करने आते, ठाकुर जी इनको दर्शन करने आते तो इतने बड़े संत बने। इसलिए बोले जिसको राधा कृष्ण का प्रेम रस एक बूंद आस्वादन हो जाए ना, दुनिया की सारे भोग सुख उसको तुच्छ हो जाता है, उसको तुच्छ हो जाता है दुनिया की। बोले इसी जगत में जितने सुख है ना, ये जगत में जितने आनंद है, हैं जितने आनंद इसी जगत में, हरे कृष्ण कथा सुनो, कल मैं पूछूंगा, इसलिए अच्छे तरह सुनो, तो सामने आ जाओ बच्चा, सामने आ जाओ, सब सामने आ जाओ, पीछे मत बैठो, पीछे कौन बैठना है, जो जो छात्र कमजोर होते पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ते, इसलिए आगे बैठो। देखो ये कथा हमको सब याद करना ठीक है ना, अब ऐसी याद करना जैसे कल थोड़ी थोड़ी बोल सको, ऐसे सुनो ठीक है, अब कल जो बोल पाएगा उसको इनाम मिलेगा। इसलिए कहते ये ऐसे ऐसे संत हुए हैं, इतने दिव्य संत ये लोग हुए, इसलिए कहते ये जगत में जितना आनंद है ना, कहते स्वर्ग में कितना आनंद है इससे, कहते यहाँ पर जितना आनंद है उससे स्वर्ग में 100 गुण ज्यादा आनंद है। कितना गुण आनंद है, 100। बोले स्वर्ग में जितना आनंद है मोहन लोक में उससे 100 गुण ज्यादा, मोहन लोक में जितना आनंद है उससे तपो लोक में उससे 100 गुण आनंद ज्यादा, ऐसे करते करते 100 गुण बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और सत्य लोक में 100 गुण आनंद हो, कहते उसके बाद में कहते ब्रह्म लोक में कहते आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद की कोई सीमा नहीं, इतने आनंद। लेकिन यहाँ पर कहते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भक्ति रस में इतने आनंद है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मानंद को अगर मिला दोगे भक्ति रस का एक बूंद को साथ में बराबर नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े राजा लोग महाप्रभु जितने भक्त लोग थे, नरोत्तम राजा की बेटा है, राजा का बेटा नरोत्तम दास था, रघुनाथ दास गोस्वामी इतने संपत्ति जिनके घर में, कहते जिनके घर में इंद्र दुल्ल ऐश्वर्य, इंद्र के बराबर ऐश्वर्य, पत्नी अप्सरा जैसे उनकी पत्नी, लेकिन जब भगवान की भक्ति रस की उनको आस्वादन मिला, सब ठुकरा करके वृंदावन में जा करके किसी तरह से माधुर्य लेकर के
खाते ही, और 26 घंटा वो खाते थे क्या, केवल एक चूल भर मठा पी लेते थे, और राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठ कर जब भजन करते थे, राधा रानी स्वयं आकर के इनके सर के ऊपर ऐसे कपड़े रख करके राधा रानी खड़ी होती थी, उनको सर के ऊपर राधा रानी खड़ी रहती थी। सनातन गोस्वामी देख करके बोले, उनको पास में बाघ भी आकर के पानी पी रहे, उनको पता ही नहीं इतने भक्ति रस में डूबे हुए हैं। सनातन गोस्वामी बोले, बोले रघुनाथ तो राधा रानी को कष्ट क्यों देता हूँ, क्या है? बोले मैंने देखा तू जो भजन कर रहा था तेरे पीछे राधा रानी अपना चुंदरी लेकर के ऐसे खड़े हुए थे, तुमको छाया कर रहे थे, और देखा तेरे पास में दो बार को पानी पीते हुए देखा, राधा रानी को कष्ट मत दिया, राधा रानी को कष्ट मत दिया करो, इन लोगों ने ऐसे ऐसे भजन साधन किया अद्भुत, इनकी जो जीवन चरित्र अद्भुत जीवन चरित्र। अभी हमारे बीच में हमारे छोटे से प्रभु है, हमारे श्री अनुपम प्रभु जी, थोड़ी सी इनकी जीवन चरित्र के ऊपर में कैसे महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु को कैसे कृपा मिली इनके ऊपर में ये थोड़ी सी उसका विषय पर थोड़ी सी बताएं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम और एक बार जोर करके बोलो हरे सर्वप्रथम मेरे परमाराधितम गुरुपाद पद्मो विष्णुपाद अष्टधातु श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आयते की कृपा की अर्चना करता हूँ। तत्पश्चात नित्य विलास विष्णु विष्णुपाद अष्टधातु श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी श्री बामन गोस्वामी महाराज जी समस्त रूपानुभव गुरु परंपरा समस्त वैष्णव उपस्थित समस्त सभी के चरण कमल वंदना करके सभी की कृपा की अर्चना। कल से हमारा प्रसंग शुरू होगा श्री श्री रूप शिक्षा। जैसे गुरु जी ने कहा कि श्री चैतन्य 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 में पांच विशेष टॉपिक है जिसको कहते हैं पांच रत्न है, कि चैतन्य चैतन्य में पांच रत्न है, और उसमें से ये जो रूप शिक्षा है ये भी एक प्रमुख टॉपिक है। तो ये जो रूप गोस्वामी है बोले कृष्ण क्या है, कृष्ण है कि रसिक शेखर, श्रुति में कहा गया रस वही सा, अर्थात वो रस लेने में ही उनका, जैसे ब्रज में असुर मारण हुआ, कंस वध हुआ, अन्य सब ताड़क असुर वध हुआ, जो जितने सारे असुर सब वध किए, ये जो ब्रज में नंदन कृष्ण की ये काम नहीं है, ये उनके जो अंश पति का काम है। कृष्ण का एकमात्र काम क्या है ना, रस वही सा, रस लेना ही उनका एकमात्र काम है। तो वही रसिक शेखर कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी रूप में यहाँ पर प्रकटित होते हैं, तब अपने समस्त जो ब्रज में जो सारे पार्षद थे सबको लेकर प्रकटित होते हैं। हम हर दिन कीर्तन करते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सौ पार्षद सिय धाम सहावत, कि अपने समस्त पार्षदों के साथ इस धाम में अवतरित होते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी का काम क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का क्या है, परम करुणा कृष्ण रसिक शेखर प्रेम प्रेम रस करित आस्वादन राग मार्ग राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचार रसिक शेखर रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा यही हुई है ते है लीला लीला कि प्रेम रस निजास करित आस्वादन, अर्थात प्रेम रस का जो निजास सात स्वरूप है ये जो है बहुत उच्च टॉपिक है।
बात गुरु जी बताएंगे। और राग मार्ग लोग भक्ति लोग के करे के प्रचार। जो राग मार्ग भक्ति क्या है ना, दो प्रकार की भक्ति है, एक है वैधि भक्ति और एक है राग मार्ग भक्ति। वैधि भक्ति किसको कहते हैं, जिसमें विधि आदि का पालन रहता है, पालन जिस प्रकार अयोध्या में वैकुंठ में जो समस्त पार्षदगण है उनका भक्ति क्या है ना, वैकुंठ विधि भक्ति है, जिस भक्ति में विधि की अपेक्षा होती है। परंतु राग भक्ति का है एकमात्र सर्व जो पूर्ण मात्रा में राग भक्ति ब्रज में देखा जाता है। राग कहा, राग कहने से यह अर्थ है कि एक स्वाभाविक प्रेम, उसी को ही राग कहते हैं। ब्रज में नंद जसोदा सखा सखी ब्रज के सारे लता पता हीरा जी गोवर्धन जमुना जी जो समस्त जीव जंतु सभी के जो कृष्ण के ऊपर एक स्वाभाविक अनुराग है, उसी को ही राग कहा जाता है, स्वाभाविक प्रीति है। वहां पर कोई नियम कोई निष्ठा और कोई विधि का किसी प्रकार भी अपेक्षा नहीं है। वहां पर सखा लोग क्या करते हैं ना, अपने मुख से खाते खाते कृष्ण को खिला देते हैं। वहां पर कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है कि कृष्ण क्या है, भगवान है, स्वराट पुरुष है, स्वतंत्र पुरुष है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर सरण है, ये भाव उनमें नहीं है। क्या है ना, तुम भी कौन बड़े लोग हो, आप कौन से बड़े लोग हो, जैसे कि दोस्त दोस्त के पीठ में चढ़ जाता है, उसके साथ कितने प्रकार के खेल होता है, वैसे प्रकार है। और नंद बाबा जसोदा माता वो कृष्ण को, कृष्ण ने जितना ऐश्वर्य दिखाया परंतु उनका इतने प्रेम है, इतना माधुर्य है, उस ऐश्वर्य उस जो माधुर्य में ढक गया। जैसे कृष्ण ने दिखाया कालिय के ऊपर नृत्य किया, गिरिराज जी को 7 दिन धारण किया, अनेक जैसे दावागढ़ में सारे आग पी लिया और बहुत सारे लीला दिखाया। मुख में साक्षात रूप में जसोदा माता ने सारे ब्रह्मांड को देखा, परंतु इतना होकर भी जसोदा माता का इतने वास्तविक भाव है, अपने पुत्र कृष्ण को इतने अपने पुत्र मानती है, मानती नहीं ये स्वाभाविकता है, एक तो मानना और एक स्वाभाविकता। तो इसी प्रकार जो प्रेम है, नंद बाबा क्या करते हैं ना, कृष्ण को अपने पादुका लाने के लिए कहते हैं। कृष्ण क्या है ना, सारे उनके एक तो मंत्र संकल्प से सारे विश्व ब्रह्मांड की भरण पोषण हो जाता है, जैसे कृष्ण है एक मंत्र संकल्प, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। परंतु आज ही कृष्ण क्या करें ना, नंद बाबा के छोटे छोटे पादुका को मस्तक में धारण करने लेने के लिए भी उनको बड़ा कष्ट होता है, कृष्ण बड़े कष्ट से उसको लेते हैं। तो इस प्रकार है। और क्या करते हैं ना, गोपियों के आगे कृष्ण गोपी कहते हैं ऐसे नाच एक लड्डू दूंगा, ऐसा हमारे साथ ऐसा नाच तो माखन दूंगा। तो ऐसा अद्भुत प्रेम जो है, स्वाभाविक प्रेम जो है, इसी को कहते हैं राग। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस राग भक्ति को ही इस जगत में प्रचार करने के लिए क्या किया, अवतरित हुए। युग धर्म जो प्रेम, युग धर्म जो नाम संकीर्तन है, उसको भी प्रचार करने के लिए इसमें महाप्रभु। तो प्रचार करेंगे कैसे करेंगे, कोई चीज हम प्रचार करते हैं तो मैं तो हमें कुछ सहयोगी कुछ चीजें आवश्यक होता है, कुछ लोग आवश्यक होते हैं। तो महाप्रभु जी ने क्या किया ना, अपने समस्त दास दासी अपने समस्त पार्षदों को लेकर यहाँ पर अवतरित हुए। इसलिए कहा गया कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रार्थना करते हैं प्रणाम मंत्र में कहते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति सोपदन। अर्थात श्री चैतन्य मनोभीष्ट, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट, मनोभीष्ट क्या था अभी हम सुने कि राग भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसमें ना कोई संगसिद्धा भक्ति है, उसमें भक्ति के भी बहुत सारे स्तर होते हैं। भक्ति करने में नवदा भक्ति है आदि करते हैं, परंतु उसमें भी बहुत सारे चीज होते हैं। धीरे धीरे हम लोग सुनेंगे अगर गुरु गोसाइन किसी में वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको विस्तृत रूप से सब वैष्णव लोग उसको वर्णन करते हैं कि भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति क्या है, उसमें भी कितने सारे स्तर हैं। विशेष करके श्री रूप गोसाइन पाल जी ने अपने भक्ति रसाम सिद्ध ग्रंथ में इस भक्ति का समस्त प्रकार के स्तर को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। प्रहलाद महाराज जी की जो भक्ति है किस प्रकार की भक्ति है, कैसी भक्ति है, अम्बरीश महाराज जी की जो भक्ति है कैसा वाला भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ उसमें गोपियों का भक्ति, गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ राधा रानी की भक्ति। तो उसी प्रकार किसी चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो मनोभीष्ट था, अभीष्ट माने इच्छा,
मनोविष्ट अर्थात महापुरुष की जो इच्छा था उसको जिन्होंने स्थापितम जनम भूतल इसी भूतल अर्थात इसी जगत में जिन्होंने स्थापन किया प्रचार किया प्रकाशित किया जैसे रूप गोस्वामी जी वही रूप गोस्वामी काल जी कब मेरे इसी चरण में बताती सौ पद अंतिकम अर्थात कब आपने इसी चरण में आश्रय मुझे लेंगे। तो कहते हैं जो ब्रज लीला में राधारणी के प्रमुख अष्ट सखियां हैं ललिता विशाखा तुंगभद्रा चंपक लता रंगा देवी श्री देवी आदि जो अष्ट सखी हैं उनके जो अनुगत्य में कुछ प्रमुख मंजरिया हैं जो राधारणी अष्ट सखियों के अनुगत्य में श्री राधारणी की सेवा करते हैं उनमें जो समस्त मंजरी गुण मंजरी रति मंजरी ऐसे समस्त मंजरियों में जो सर्वश्रेष्ठ है जो प्रधान मंजरी है जो प्रधान सेविका है वो कौन है ना रूप मंजरी है वही रूप मंजरी ही यहाँ पर रूप गोस्वामी हुए और वही सनातन जो वहाँ पर थे लवंग मंजरी वो वही लवंग मंजरी यहाँ पर उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी। तो ये जो रूप सनातन इनका जन्म हुआ था भरद्वाज से गुरु ब्राह्मण थे तो बाल्यकाल से जो रूप सनातन गोस्वामी और उनके और एक भी भाई थे जिनका नाम था अनुपम तीन भाई थे तीन भ्राता थे रूप सनातन अनुपम। तो बाल्यकाल से अत्यंत मेधावन थे और समस्त शास्त्र के ज्ञान दाते बहुत मेधावन थे इसलिए अल्प समय में ही उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन कर लिया वेद पुराण और हर समय उनको इसी प्रकार शास्त्र की चर्चा में ही उनका समय व्यतीत होता था इतने बुद्धिमान थे और शरीर से भी ब्राह्मण है ब्राह्मण का स्वभाव भी होता है ऐसा। तो कुछ कारणवशत उनको जो जो बंगाल के जो नवाब थे उस समय तो मुसलमान मुस्लिम शासक थे तो कुछ कारणवशत उनको उनके अधीन काम करना पड़ा जो सनातन गोस्वामी पाल थे उनके प्रधानमंत्री थे क्योंकि एक समय ऐसी एक घटना हुई थी मेरा उस घटना संपूर्ण रूप से याद नहीं है परंतु एक समय ऐसा घटना हुआ था जिसमें इनकी बुद्धि का तीक्ष्णता देखकर इनके बुद्धि की परिपक्वता देखकर इतने कम उम्र में भी इतने अच्छी बुद्धि देखकर नवाब ने स्वयं ही लोगों को लेकर अपने जो राजभवन में रखा था और सेवा दायित्व दिया था एक थे प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी पाल और जो रूप मंत्री थे रूप गोस्वामी थे ये क्या थे ना वित्त मंत्री। तो राजा का जो समस्त राजकार्य इन दोनों के ऊपर ही चलता था राजा के बड़े विश्वस्त थे अगर राजा का विश्वस्त प्रधानमंत्री और जो कार्यकर्ता जो कमेटी अगर वो विश्वस्त ना है तो राजा तो भूल ही जाएगा इसलिए राजा इन दोनों को बहुत ज्यादा विश्वास करता था और सभी कार्यों में इनके सलाह लेता था। तो एक समय क्या हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी रामकेली ग्राम में आए रामकेली ग्राम में जब आए श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ये संवाद पाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो जन है रामकेली ग्राम में आए तो उनके दर्शन करने के लिए ये लोग रात में चुप चुप कर गए वहां पर जाकर महाप्रभु जी के आगे बड़े दयनीय भाव से दांत में तृण धरकर पकड़कर अपने को अत्यंत हीन तुच्छ मानकर महाप्रभु जी आके साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हम क्या है ना म्लेच्छ में म्लेच्छ हैं म्लेच्छ है नहीं परंतु वहां पर काम करने के हेतु अपने को म्लेच्छ मानते हैं इतने श्रेष्ठ भाव पर भी जो व्यक्ति बहुत बड़ा होता है जो बहुत बड़ा होता है मतलब जागतिक विचार से नहीं जो व्यक्ति अपने मतलब परमार्थी विचार से जितने बड़ा होता है वो अपने को उतना ही छोटा मानता है जैसे पेड़ में बहुत सारे फल हो जाए तो वो स्वतः झुक जाता है परंतु और जो बड़ा बड़ा मछली रहते हैं अंदर ही रहते हैं परंतु रोहित नैव गर्भते सत्परी कर्पराय थे परंतु छोटे छोटे मछली होते हैं ऊपर ऐसे दिखाते हैं हम देखो हम कितने बड़े हैं क्या है। इसी प्रकार इतने बड़े बड़े महात्मा हैं फिर भी बोलते हैं क्या है ना हमारे जो सारा जीवन किसी कार्य में व्यतीत हुआ ना वो ब्राह्मण आदियों का जो देश करना उनको उद्वेग देना क्योंकि जो मुसलमान है उसका हृदय में हृदय तो कठोर है वो वही कार्य सब करता है और हम उसके अनुगत्य होने के कारण हमें भी करना पड़ता है इसलिए महाप्रभु जी को बड़े दुखित होकर बोले देखो हमने ऐसा हमारा कर्म है कि हमारा कर्म ऐसा है कि हमें इस विषय गर्त में हमें स्वतः हमारे पे हाथ पैर बांध कर हमें डाल दिया परंतु महाप्रभु जी कहे महाप्रभु जी उनको आलिंगन किया उठाया बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है तुम तो बहुत
मेरे लिए बहुत विशेष व्यक्ति हो। मैं यहाँ आया केवल मात्र तुम्हारे लिए। लोग सोचते हैं मैं यहाँ क्यों आ गया, परंतु मैं तुम्हें दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए यहाँ आया। इसे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, इसलिए चिंता मत करो। एक समय से आएगा मैं तुम्हें अपने सारा जो मनोदृष्ट है उसमें ही लगाऊंगा। तो इस प्रकार समय व्यतीत होते गया और दुख सनातन दोनों भ्राता और उनको राज्यकारी महापुरुष जी के साथ इनका भेंट होने के बाद और राज्यकारी में मन नहीं लगता। राजा उल्टा पलटा काम करता रहता है, किसी को उपद देना, कोई देश जय करना। इनके ये तो स्वतः स्वभाव से वो साधु थे, साधु तो किसी को उपद देना क्या है नहीं, स्वभाव है नहीं। और फिर बाद में जब श्रीमन महापुरुष से मिले, इनके चित्तवृत्ति और भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी, तो जैसे तैसे करके इन्होंने सोचा कि अभी क्या है ना, राजनीति कैसे छोड़कर महापुरुष की काशी करना। तो गुरु जी बता रहे थे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाल जी ने 7000 स्वर्ण मुद्रा देकर छूटा है, फिर कुछ संपत्ति फिर है। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, आप था सुना आज आज इसको बाद में सुना है। देखो जब श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, लेकिन ये राजा जो नवाब था उसी समय राजा हुसैन शाह जो नवाब, इसका ये दोनों भाई उसके मंत्री पद पे थे। जब उन्होंने आए जो मंत्री पद पे थे, आपको पता होगा मुसलमान लोग क्या करते, क्या करते, सारे हिंदुओं का मंत्री को तोड़वाते, हर समय तो हिंदू विरोध काम करते रहते हैं, हिंदू विरोध काम। अब विशेष करके ये दोनों भाई मुख्य पद में थे, एक प्राइम मिनिस्टर था और एक भैया कुशाद अंत सारी पैसा दिया, पैसा की सारे दायित्व इनके ऊपर भी है। और ये बड़े युद्ध कौशल थे, बड़े अच्छे योद्धा थे हैं, ये दोनों भाई बड़े अच्छे योद्धा थे। अभी इनको साथ में रहते 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 कहते ना, जिसको साथ में रहोगे धीरे 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 क्या हो जाए, उनको स्वभाव उसको साथ में हमारी स्वभाव धीरे धीरे मिल जाती है। अब उनको साथ में रहते रहते, लेकिन जब श्री चैतन्य की तो भगवान की नित्य परिकर है, ठाकुर जी के नित्य परिकर, नित्य भक्त है भगवान की। सुनाना एक है लबंग मंजरी और एक से रूप मंजरी, राधा रानी की ये नित्य दोनों सहचरी है, दोनों सहचरी है। लेकिन जब इन्होंने किसी तरह से महाप्रभु की चस्का मिली भक्ति की, जब महाप्रभु के पास में आई और जो महाप्रभु को चरण में दर्शन किए उन्होंने, राम के लिए गाँव में दांत में त्रिका को दबा करके, गले में गलबस्त्र लगा करके हैं, उनके चरण में गिरते हुए बोले प्रभु हम नीच जाति थे, नीच कर्म की, लेकिन नीच जाति नहीं, दोनों भारत देव भारत द्वाज गोत्रीय दोनों ब्राह्मण है, कर्नाटक देश में जन्म हुई, श्रेष्ठ ब्राह्मण बोल भी इतने विद्वान, इतने विद्वान, इतने सारे शास्त्र को तत्व बताइए सारे, लेकिन दीन ही नहीं होकर जो बोल रहे थे, महाप्रभु बोले नहीं तुम दीन ही नहीं हो, तो तुम लेचर नहीं हो, तुम कौन हो, बोले तुम सर्वश्रेष्ठ हो। बोले क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारी जो जिह्वा पर भगवान का नाम उचार है, जिह्वा में क्या कर रहे थे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर करके बोलो साधारण व्यक्ति माला जप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते अहो अहो मतलब आश्चर्य हो करके, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखना क्या आश्चर्य देखना क्या आश्चर्य है, इसलिए जो व्यक्ति जिह्वा में प्रभु का नाम उच्चारण होता है, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, बोले जिह्वा ग्रे जिह्वा के अग्रदेश में जिसका नाम कर रहे,
अगर कोई जीवा के अग्रदेश में ठाकुर के नाम कर रहे हैं फिर क्या समझो उसको, वो व्यक्ति साधारण नहीं, ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आए। क्या करके चार काम? बोले सारे तीर्थ में भ्रमण करके आए और जितने यज्ञ करके आए, जितने तपस्या करके आए, जितने दान करके आए, तभी इसी जीवन में केवल जीवा के अग्र में ठाकुर का नाम ले रहे हो। तो भैया जिसका पूरा जीवा ही जीवा ठाकुर का नाम ले रहे हैं, बोले भैया उसका क्या बनना बताए। और जो यहाँ पर आकर दोनों कानों में कथा सुन रहे, बोले वो तो बड़ी पुण्यात था। बोले भैया जो व्यक्ति दोनों पैदल में चल पैदल में जो लोग कथा में आए, बोले और भाग्यवान। बोले जो दोनों आंखों से ठाकुर का दर्शन करते हैं, बोले भैया उनका भाग्य की तो कोई सीमा नहीं, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं। इसलिए भजन करने वाले व्यक्ति साधारण है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सर्वदित्ते कर तुम्हें क्षण क्षण स्नान, हर क्षण क्षण में जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, सारे तीर्थ में हर क्षण क्षण में नहा रहे हो, सारे दान पुण्य क्षण क्षण में दान कर रहे हो, क्षण क्षण में सारे तीर्थ भ्रमण कर रहे हो, क्षण क्षण में सारे तपस्या कर रहे हो, महाप्रभु कहते हैं इसलिए तुम्हें नीच नहीं सर्वोत्तम है तुम सर्वोत्तम। शिक्षा देते ही क्या करनी चाहिए, प्रभु भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए माला को कभी छोड़ो मत, भले कभी जाते समय कहीं पैसा भूल गए कोई से साथ में, लेकिन ये माला कोई भूल कर लग जाओ रास्ता में चल रहे हो, समय तो तुम बर्बाद कर प्रभु का नाम करते करते जाओ। ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो समय को तुम बर्बाद कर रहे हो। हमारा जो एक एक श्वास जो जा रहा है ना, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते हैं, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए, माला को हर समय रखना, एक चीज जो गांठ बांध के रखो, भले ही कहीं जाते समय पैसा भूल जाए, हैं? लेकिन ये माला नहीं, ये माल है, ये असली चीज को भूलना नहीं। माला को हर समय रखना, हर समय प्रभु का नाम जप करते रहना, और जो माला लिए हो जब तक सवेरे कुछ माला नहीं करो तब तक भजन नहीं करना है। पहले भजन बाद में भजन, भले एक दिन खराब बंद हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन हरिनाम नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं केनवा आचार्य प्राण की सुख ला किया नरोत्तम दास केनवा नागल बंधा। वो कह रहे हैं भैया, वो कहते हैं अगर प्रभु का भजन नहीं कर रहे, नाम नहीं कर रहे हो ना, करे मर जाओ, मर जाओ जिंदा रहकर क्या करोगे? अगर भजन नहीं करोगे, खाओगे पियोगे पैसा कमाओगे गधे कुत्ते सुअर कर रहे, सुअर एक ही साथ में एक ही दर्जन बच्चा जन्म दे रहे, गीला तुम कौन सा बड़ी बारी तीन बार दिया तुमने, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर तुमसे भजन नहीं हरिनाम नहीं हो पा रहे ना, बोले मर जाओ जिंदा रहकर कोई लाभ नहीं। इसलिए भागवत कहते जीवन सबो वो जीवित अवस्था में भी वो वृद्ध है जिनको ये भजन जीवन मिला, लेकिन जीवन पा करके जो भजन नहीं करते हैं। इसलिए अभी हमारे सचिव प्रभु जी उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनके जीवन चरित्र उनकी शिक्षा के बारे में। हरे कृष्णा, ए ऋषि इधर आओ, पीछे जो बैठे तुम इधर आओ, तीनों तीनों महापुरुष इधर आओ, तीन विषय इधर कथा सुनो ठीक से, कल आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। ऐसे माला लेकर बैठ जा, माला को रखो, माला जप करने का जरूरत है, माला बहुत हो गया। इसलिए जब कथा हो ना, कथा हो कथा सुनो, और क्या कथा सुन रहे हो कल सुनना सुनाना पड़ेगा ठीक है। और एक एक कॉपी और नोटबुक लेकर के आना। ओम ज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वञ्चाकल्पतरुकस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं
मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतुक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और जिसने जितने भी वैष्णव लोग माताएं प्रभु लोग दीदी लोग सभी लोग आए सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी जिनके बारे में सुन रहे हैं कथा रूप गोस्वामी, क्या नाम है, श्री रूप गोस्वामी, इनकी जो त्रिवाह तिथि है अभी आएगी 13 तारीख की 14 तारीख अगले अगस्त में झूलन पे आते हैं। महाराज जी बता रहे थे जो भी कोई वृंदावन में जाता था गुरु जी कहते थे जरूर रूप गोस्वामी की तिथि पर जरूर आना। लोग बहुत सारे जानते हैं राधाष्टमी जन्माष्टमी रामनवमी आदि आदि जानते हैं, परंतु जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना वो भगवान के प्रिय भक्तों के बारे में भी जानते हैं। जो जितना भक्त होगा ना भगवान के प्रिय भक्तों की कथा सुनेगा। और आजकल हम भक्ति भक्ति कहते हैं ना, भक्ति तिलक किया भगवान का नाम भी कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन में दुख आता छुट जाती है। क्यों छुट जाती है? क्योंकि हमें पता नहीं भक्ति क्या है। तो ये जो रूप गोस्वामी है ना बहुत बड़े संत लिखे, उन्होंने एक एक चीज की परिभाषा लिखी, भक्ति की क्या परिभाषा है, श्रद्धा की क्या परिभाषा है, और भक्ति जब भक्ति के क्या क्या स्टेज है, कैसे कैसे भक्ति आती है, और कितने प्रकार के पाप कर्म पुण्य कर्म प्रारब्ध अप्रारब्ध बहुत प्रकार की डिटेल उन्होंने बताई है। अगर इनके विषय में हम लोग सुनेंगे ना तो हमारी भक्ति क्या होगी, दृढ़ पक्की भक्ति होगी, और कभी भी हम भक्ति से च्युत नहीं होंगे कभी भी, और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे किसी तिथि पे आओ चाहे ना आओ और रूप गोस्वामी तिथि पे सब लोग आना। जब भी हम रूप सनातन जाते थे महाराज जी जितने भी ग्रस्त भक्तों को बोलते थे रुक जाओ रूप गोस्वामी तिथि के लिए, आप एक दिन रुक जाओ दो दिन, और वो परंपरा अभी तक चल रही है। महाराज जी भी कहते हैं रूप गोस्वामी की तिथि पे आओ। ये तो तत्व बड़ा कठिन लग रहा है सुनने में, पर बार बार सुनने से बार बार मनन करने से ये बात हमें धीरे समझ में आ जाएगी सहज और सरल रूप में। तो इनका कोई नाम भी सुने ना रूप गोस्वामी, कोई इतना ही बोले श्री रूप गोस्वामी की, इतने बहुत बड़ी से स्मृति हो जाती है। तो ये कौन है, ये स्वयं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बताया भगवान श्री राधा कृष्ण के ही नित्य जन है, अपने राधा जी की प्रिय मंजरी है रूप मंजरी, और चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद है। महाप्रभु के मन को जिन्होंने संपूर्ण रूप से जाना, धन बता रहे थे श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सु पदार्थिकम। चैतन्य महापुरुष के मनोविष्ट को जिन्होंने पूर्ण किया, जो महापुरुष कौन है, स्वयं भगवान सच्चिदानंद गौर ने, उनके हृदय में जो भाव थे उनके हृदय में जो इच्छा थी उसको उन्होंने जानकर और सब जगत में उन्होंने प्रकाशित किया। तो उनके पूरा जीवन चरित्र बताते हैं, उनके लिए महाराज जी भी बाद में बताएंगे उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी रूप शिक्षा के नाम से जो प्रसिद्ध है। अभी एक घटना बता रहे थे हमारे अनुपम प्रभु जी, कह रहे मेरे को स्मरण नहीं है, जो कि बंगाल में हुसैन साहब थे मुसलमान राजा थे, उन्होंने इन दोनों ब्राह्मणों के पुत्र थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनका नाम भी बदल के इन्होंने रखा क्या क्या रखा था, दबीर खास और मल्लिका साकर मलिक, दो नाम मुसलमान नाम रख दिए। इसलिए ये थे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु इन्होंने कहा कि बहुत बड़े विद्वान स्वयं भगवान के परिकर है, इसलिए कहते थे ये बात बता रहे थे ना दिन तक लोग ऐसी घटना राजा ने क्यों रखा, इतने बड़े विद्वान थे पूरी पृथ्वी में इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं था, और राजा भी बहुत बड़े 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 विद्वान उन्हें मिलकर बोले रखना है तो नौकरी पे इनको रखना है। क्यों रखा, क्योंकि राजा हुसैन शाह था जो वो बहुत उग्र स्वभाव का था, बड़े गुस्से वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया, एक बार एक बहुत कोई मंत्री उनके घर में आया, राजा का महल को देख के बोला अरे बहुत सुंदर सब तारीफ करे, तो उन्होंने कहा इसमें महल कैसे बनाए, इससे भी अच्छा महल बन सकता है। तो राजा ने क्या किया, इसको फांसी पे चढ़ा दो।
हुसैन शाह ने उसको फांसी में चढ़ा दिया और उसको दूसरा व्यक्ति देख रहा था जो मंत्री, उसको बोले जाओ लेके आओ। क्या लेके आओ ये नहीं बताया, जाओ लेके आओ। और वो तो बड़ा परेशान, अगर राजा से पूछ ले क्या लेके आओ तो उसको भी फांसी में चढ़ा देगा। तो राजा तो उग्र स्वभाव के थे, बड़े खतरनाक थे, जो भी कोई उसको उल्टा पूछे या सीधा जवाब वो एकदम फांसी में चढ़ा देते थे। तो उन्होंने क्या, बड़े दुखी होके गए और दुखी होते होते कहाँ गए, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा उसको देखकर व्यक्ति को, बड़ा दुखी व्यक्ति को देखकर बोला क्या बात है, क्या रे मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मैं, राजा ने बोला जाओ लेकर आओ, अब क्या लेकर जाओ, अगर मैं खाली हाथ गया जब भी फांसी चढ़ेगी और कुछ गलत लेके गया जब भी फांसी में चढ़ूंगा। तो उन्होंने क्या किया, तो सनातन गोस्वामी से लेकर कोई चिंता मत करो, मेरे को बताओ क्या हुआ था, उसके पहले की घटना बताओ, राजा ने कब ये बात बोली। तो उन्होंने राजा को सारी घटना बताई। जो घटना थी है, एक समय एक मस्जिद बन रहा था, तो बड़ा सुंदर मस्जिद बनाया मिस्त्री ने। इतने में जो राजा देखने के लिए मस्जिद के ऊपर भी गया, जब चढ़ कर गया बोले क्या तुमने मस्जिद बनाया, गजब की बनाया, अद्भुत सुंदर। इतने में वो मिस्त्री ने बोल दिया महाराज जी, वो भी भाग में आ गया, जब राजा बड़े प्रशंसा किया बड़े सुंदर गजब की बनाए, उसकी को भी भाग में आ, बोले महाराज ये किया, इससे मैं बढ़िया बना सकता हूँ। बोला अगर तू इससे भी बढ़िया बना सकता तो तू बढ़िया नहीं बनाकर घटिया बनाएगा। मतलब वैसे ही मुसलमान है, वो मांस खाते हैं, बड़ा क्रोधी होते हैं, जो बना सकते हो बनाया नहीं क्यों, बास वो तो क्रोधी था ना, बास ऊपर से धक्का मार दिया, धक्का मार दिया तो गिरते राम नाम चलते होंगे, और बड़ा क्रोध में था, बोले लेकर क्या हो, अभी इनकी हिम्मत नहीं हुआ उनको पूछे क्या, नहीं तो हमें भी धक्का मार के दिया जाएगा। इसलिए वो वापस आकर के दर दर भटक रहे थे, क्या करेंगे क्या करेंगे। और ये रूप सनातन और दोनों भाई, इनका बचपन का नाम था अमर और संतोष, तो हिंदू थे ना, अमर और संतोष के दोनों भाई का नाम था, और बड़े विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि थी। इनकी कथा आगे सुनोगे क्या तीव्र बुद्धि इनकी थी। इन्होंने क्या किए, बोले भैया क्यों इस दर दर भटक रहे, बोले ऐसी बात है, बोले मतलब क्या सिचुएशन था, ये सिचुएशन था, वो समझ गए। तो जब मैंने मिस्त्री को तो धक्का मार के गिरा दिया, मर गया, अभी तो कंप्लीट मस्जिद कंप्लीट ही नहीं हुई, बोले ले आओ, ले आओ मतलब तो मर गया, बोले और अच्छे मिस्त्री को लेकर के आओ। लेकिन राजा बाद में सोचा, मैंने तो कुछ बताया नहीं क्या लेकर के आओ, पता नहीं उस समय तो क्रोध में था, पता नहीं क्या लेकर के आए। लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी समझ गए, तो बड़ा बुद्धिमान, बढ़िया बढ़िया मिस्त्री को ढूंढ कर बोले इसको ले जाओ। जब लेकर गए, बोले तुमने ये मिस्त्री को भेज लेकर के आए, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या लाएंगे। बोले तो हम तो बड़े दुखी होकर भटक रहे थे, लेकिन वहां पर देखा दो बालक, बड़े सुंदर दो बालक है, हमें पूछा पूछा सब बात और पूछ करके उन्होंने अच्छे मिस्त्री भेज दिया। तो भैया दो बालक, बालक तो साधारण नहीं, ये तो बड़े बुद्धिमान है। अरे उन्होंने वो दोनों को अपना, एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद में रखा, बोले कौन सा उम्र बताया, तो बोले 16-17 साल उम्र था, इतने कम उम्र, बोले इतने बुद्धिमान थे, इसी उम्र में एक को प्राइम मिनिस्टर पद में रखा और एक को उन्होंने कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सारी रुपया पैसा है तो उसकी अध्यक्ष में रखा। जब जब ये राजत्व तो कर रहे थे, तीन दो गुना रहा था, चौगुना इनकी बढ़ रहा था, कि राजा कुछ नहीं करता था, राजा इतने छोटे बच्चे थे, इतने छोटे बच्चे थे, लेकिन जब कोई काम करते थे इनसे परामर्श लेकर करते थे। इसलिए जिनका नाम तबरीकास और हुसैन साहब, तबरीकास और साकर मलिक, वहां पर बताया कि सब मुसलमान नाम है, बोले तबरीकास साकर मलिक इसका अर्थ बताए, जो बड़ी बुद्धिमान तीव्र बुद्धि के थे, बड़े तीव्र बुद्धि के थे, और मुसलमान का जो नाम है वो चीज होता है, मतलब जो भविष्य को आगे क्या होने वाला नहीं होने वाला ये अपने आप बोल देते थे। और इतने इनके राज्य, जब तक इन्होंने राज्यत्व की, इतने इनके राज्य में इनके प्रशंसा इतने बड़ों तो होने लग गया, इतने बढ़ने लग गए। इसलिए जब इन्हें नौकरी छोड़ने के लिए जा रहे थे, राजा की बोले नहीं, बोले तुम लोग तो मेरे दो हाथ है, एक उल्टा हाथ और मेरे एक सीधा हाथ हो, मैं तो कुछ करता नहीं, तुम तो नहीं तो कर रहे हो। जिस समय सनातन गोस्वामी है राज कार्य को सनातन गोस्वामी ने छोड़ दिए, उस समय में इतने दुखी हो गए,
बोले लगता है तुम लोग तो मेरे दोनों भाई, मतलब उनको राजा इनको अपना हम तीन भाई है, मैं एक और ये दो है ना, ये मेरे और ये दो भाई, मतलब उनको इतना मानता था, इतना मानता इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि पिछली घटना से कि मिस्त्री लेके जाओ। फिर क्या हुआ, ये जागतिक इनकी विद्वता थी बहुत, और जब परमार्थिक देखेंगे इतने इन्होंने श्लोक लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नील मणिकरण, एक ऐसे ऐसे विद्वान संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान के सामने फेल, अभी तो जागतिक उपाधि बता रहे। और फिर क्या हुआ, ये स्वयं महाप्रभु के परिकर है, राम के निग्राम में रहते थे, चैतन्य महापुरुष स्वयं दर्शन करने के लिए आए, और महापुरुष आए जैसे ही घटना बता रहे थे, महापुरुष जब आए तो दोनों भाई एकदम से चरणों में लेट गए, महापुरुष के रात दिन महापुरुष का नाम लेकर रोते थे, और महापुरुष को देखकर दूर से ही प्रणाम करने लगे, प्रभु हम तो मुसलमानों का संग किया, जिसका संग करेंगे और उसके संग से ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर भी हम क्या है नीच जाति के, यद्यपि ब्राह्मण कुल में उच्च कोटि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी जो जैसे बताया ना पेड़ पे जितना फल लगेंगे वो उतने अपने को दीनहीन मानेंगे, तब ये अपने को बड़े दीनहीन क्योंकि महापुरुष को बोले जगाई बधाई से, मेरे कोटि कोटि जगाई बधाई से भी हम लोग बड़े पापी है, और हमारा जो नाम सुनेगा जगाई बधाई, उन्होंने बड़ी दीनता पूर्वक कहा महापुरुष को ऐसी ऐसी बात बोली, महापुरुष बोले नहीं तुम क्या, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आया, अब तुम जल्दी करो संसार को छोड़कर और जल्दी से वृंदावन में आ, अभी क्या ये नौकरी किसके यहाँ कर रहे हैं, हुसैन साहब के यहाँ। और जैसे ही महापुरुष राम के लिए से गए, और महापुरुष क्या हुआ बहुत सारे भक्तों को लेकर एक समय क्या वृंदावन जा रहे थे, बहुत सारे भक्तों को लाखों लाखों लोग, अब कौन है भगवान है स्वयं, और भगवान कोई भी शिक्षा लेते तो किसके द्वारा नहीं, अपने भक्तों के द्वारा लेते, तो उन्होंने कहा प्रभु इतने सारे भक्तों को लेकर वृंदावन जा रहे, वृंदावन दर्शन करने की ये परिपाटी नहीं है, क्योंकि आप सब देख रेख में लग जाएंगे सबको, कहाँ एकांत में महापुरुष जब वृंदावन में जाएंगे तो कहाँ क्रंदन करेंगे, राधा जी का स्थान जन्म स्थान देखकर, कृष्ण का जन्म स्थान देखकर, जहाँ जहाँ लीला देखी वहाँ पर मूर्छित होकर गिर जाएंगे, तो क्या है वृंदावन में दर्शन करना चाहिए, एक अकेले जाना चाहिए शांत एकदम होकर, जब भगवान की लीला की स्फूर्ति वहाँ होती है, इतने विजाति लोगों को लेके जाएंगे तो भगवान का दर्शन कैसे होगा। महापुरुष तो इतनी बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और महापुरुष उस समय लौट गए, महापुरुष विशेष का दर्शन करने के लिए इन्हीं लोगों का दर्शन करने के लिए आए थे रूप और सनातन। उसके बाद जब महापुरुष ने कहा तुम जल्दी से क्या करना वृंदावन में आना, महापुरुष लौट गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से महापुरुष वृंदावन के रास्ते में आ रहे थे, उसी समय रूप गोस्वामी तो अपना नौकरी चाकरी सब छोड़कर जितना भी धन था 50 अपना 50% तो ब्राह्मण को बांटकर सेवा करके आगे आ गए, 25% अपना जो एक चौथाई अपने घर गृहस्थी के लिए मतलब जो बाकी बचे उनके लिए रखी आई, और बाकी सारा सेवा में लगा दिया, और कुछ 10,000 मुद्रा जो सनातन गोस्वामी थे उनके लिए एक दुकानदार के पास रख के आ गए, बोले कि ये क्या है सनातन गोस्वामी को दे देना। क्यों देना, क्योंकि अभी रूप गोस्वामी ने छोड़ दिया नौकरी, अभी सनातन गोस्वामी महाराज जी बता रहे ना इनका काम दिन दुगना रात चौगुना पड़ा, जो रात चौगुना जो बढ़ेगा जिसके काम से, अगर एक वर्कर छोड़ दे इंजीनियर ऐसा छोड़ दे तो मालिक को कितना नुकसान होगा। रूप गोस्वामी छोड़ के चले गए, और फिर क्या हुआ सनातन गोस्वामी से बोले कि तुम भी जल्दी आ जाना, और जैसे ही जल्दी आए राजा तो ज्यादा युद्ध के लिए किसी पड़ोसी राजे ने हमला बोल दिया, बोले रूप ये चले गए और अब क्या होगा, ये जो दूसरे भाई है क्या नाम है मल्लिका सागर मल्लिक करे ये भी नौकरी छोड़ देंगे, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने राजा ने इनको जेल में डाल दिया, सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया कि ये भी नौकरी ना छोड़ दे कम से कम। फिर जब देखा सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जब चैतन्य महापुरुष प्रयाग में आए और वहां पर आकर मिले, इनके दो भाई थे अनुपम और संतोष, और एक और नाम रूप गोस्वामी का नाम क्या अमर संतोष अनुपम, अमर संतोष मिले रूप गोस्वामी को देख के बड़े प्रसन्न, महापुरुष को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके बोले तब इन्होंने सारे प्रभु हम इस संसार को विषय गर्त को छोड़कर आपके चरणों में आ गए हैं, और सनातन के बारे में बताया वो अभी कारागार में उसने राजा ने बंद किया, वो भी शीघ्र आ जाएगा, उनको पूरा विश्वास, ऐसा नहीं कि वापिस जाओ जैसे हम कहते हैं ना घर गृहस्थी में, अरे हम
मठ कहीं मंदिर के लिए निकले, थोड़ी सी कुछ घटना घट गई, अरे वापिस जाओ घर। वहां पर क्या आ गया, वहां पर बच्चे रो रहे हैं, बीमार हो गए, इनके भाई जेल में, तो क्या किया, वो भी शीघ्र आ जाएंगे आपकी कृपा से। इतना विश्वास है इनको महापुरुष करुणा पे कि आपकी करुणा हमको तो लेकर आ गई, अब शीघ्र सनातन गोस्वामी आ जाएंगे। जब वहां पर आए चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु ने वहां पर रूप गोस्वामी को ये प्रयाग में दस अश्वमेध घाट पर शिक्षा दी, वहां पर क्या दी, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति तत्व किसे कहते हैं, कृष्ण तत्व किसे कहते हैं, और रस कितने प्रकार के होते हैं, राधा तत्व आदि आदि इन्होंने क्या किया, 10 दिन शिक्षा दी। उसको बोलते हैं रूप शिक्षा, जिसको हम सुनने के जा रहे। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी, वो शिक्षा सारे जगत के लिए उपकारी है। अगर उस शिक्षा को सुनोगे उसमें सब कुछ आ जाएगा। ये क्या क्या किया, 10 दिन शिक्षा दी, सिर्फ 10 दिन। और महाप्रभु ने कहा भक्ति रसामृत सिंधु है, बहुत बड़ा सागर है, परंतु मैंने उसमें से तुम्हें एक बिंदु दिया है, बिंदु, और तुम इस बिंदु को ग्रहण करो और सारे जगत में इसका प्रचार करो। और उन्होंने क्या किया, बिंदु का पूरा सिंधु बना दिया, इसको इन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, और उसमें सिंधु जानते सागर। सागर को कैसे देखोगे, ना इसको आ रहा है ना इसका पार है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसे कहते हैं साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, समुद्र को नापते ना ऐसे नापते। तो इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में 4 भाग बांटे, पूर्व लहरी, दक्षिण लहरी, उत्तर लहरी, पश्चिम लहरी। उसमें उन्होंने पहले बताया भक्ति की परिभाषा, भक्ति की क्या परिभाषा, भक्ति जो हम सोच रहे हैं वो भक्ति नहीं है, पहले उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी, शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी। और उन्होंने क्या किया, भक्ति के जितने प्रकार के, भक्ति के लक्षण बताए, भक्ति के क्या क्या लक्षण है, क्लेश अग्नि सुविधा कृष्णाकृष्णी चौसा, 6 प्रकार के लक्षण भक्ति के बताए। हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे पाप कितने प्रकार के, हमारे प्रारब्ध कर्म क्या, अपराध क्या, कूट भी बहुत प्रकार की उन्होंने डिटेल उन्होंने दी। पहले में साधारण भक्ति बताई, फिर साधन भक्ति बताई, भाव भक्ति बताई, प्रेम भक्ति बताई, और दूसरे विभाग में भक्ति 4-5 प्रकार मुख्य रस होते हैं, ये बताया। हम आगे आगे महाराज जी से सुनेंगे, अभी समय हो गया है, कल क्या रूप शिक्षा शुरू होगी। और रूप गोस्वामी ने क्या 3 प्रकार की शिक्षा है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन बोलते हैं जो हमारा उद्देश्य है, संबंध बोलते हैं भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, माया क्या है, भगवान क्या है, जीव क्या है, इनका हमारे साथ क्या संबंध है। और अभिधेय बोलते हैं भगवान हमें किस प्रकार से मिलते हैं, एकमात्र भक्ति के द्वारा मिलते हैं, उसी शिक्षा को बोलते हैं अभिधेय तत्व। वो आगे 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 कल से हम महाराज जी प्रारंभ करेंगे, उसमें बहुत सुंदर डिटेल है एक एक चीज की, पहले श्रद्धा की परिभाषा, फिर ब्राह्मण भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ये भक्ति लता बीज क्या है महाराज जी कल इसको बताएंगे, ये लता बीज भक्ति का बीज कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे भगवान के चरणों तक ले जाता है, ये रूप गोस्वामी शिक्षा दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, आप लोग इसको ध्यान से सुनना। महाराज जी जितना भी दिन है 5 दिन 10 दिन यहाँ पर है, और महाराज जी कथा करेंगे फिर धीरे धीरे करके, हाँ कथा का टाइम रखे गए, ये ना लेट हो जाएंगे सब लोग, सुबह बच्चों को भी स्कूल स्कूल है, हम सोच रहे 5:30 बजे से, अगर आप लोग 5 बजे से कीर्तन 5:30 बजे एकदम से आ जाओगे ना, हम लोग 6:30-7:30 खत्म कर देंगे, 8 बजे आरती करके 8:30 प्रसाद, क्योंकि टाइम से आएंगे तो टाइम से शुरू होगा, आज लोग आए 7 बजे इसलिए लेट शुरू होगा, ठीक है ना, प्रयास करना महाराज जी कितना सही रहेगा, जितना जल्दी विश्राम हो जाए अच्छा, जितना जल्दी 8 बजे से पहले खत्म कर, ठीक है ना, जल्दी 5:30 बजे तक सब लोग आ जाओगे, 8 बजे पूरा खत्म हो जाएगा, प्रसाद लेके कल का, कल प्रसाद है, कल अच्छा प्रसाद है, इसका जन्मदिन भी कल प्रसाद है। हाँ देखो आप तेरे दर्शन तो भी आप बोलोगे हर भक्ति करना, हरे कृष्ण करो, सब क्या सब भक्ति भक्ति सब इतने सारी बात सब बेकार सब, ये सब खबर खराब होने लगा है, इसलिए भक्ति करके हरि नाम करो, हरे कृष्ण देखो, इसलिए ये चैतन्य चरितामृत पता है 3 तरह के भक्त, कितने तरह के भक्त हैं, एक एक उत्तम भक्त सबसे बढ़िया, एक मध्यम भक्त और एक कनिष्ठ भक्त। यदि ये उत्तम भक्त ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, सबसे जो छोटे भक्त इनका भक्ति का लक्षण क्या है,
भले क्या भक्ति का लक्षण है, जब कभी इच्छा होता है कर लिया नहीं तो जब इच्छा नहीं हुआ माला ही क्या है, माला तो पुत्र लटक रहा है बस। यदि कनिष्ठ भक्त सबसे नीचे भक्त है, जब इच्छा हुआ कर लिया नहीं तो कभी क्या है। कहते मध्यम भक्त कौन है, बोले मध्यम भक्त वह है जो अपना रोज ऐसे नहीं सोए के रात पार एक बजे रात को और सवेरे उठे 8-9 बजे मुंह धो इधर तो हाथ कर पास भगवान भक्त नहीं उसको नहीं। इसलिए मध्यम भक्त उसे कहते हैं जो कम से कम अपना साधना को ठीक ठीक करे, रोज टाइम से उठ करके तिलक लगाए, तिलक के लिए ढीला नहीं करना, तिलक जरूर लगाना, तिलक के बगैर कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। तिलक लगाते जो ठाकुर जी का आरती करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, रोज गीता भागवत और कुछ करते हैं, माला को हैं नियम से माला को ठीक ठीक से माला को कर लेते हैं। यदि ये मध्यम भक्त है जो अपना भजन साधन को ठाकुर को पूजा सेवा जो करते हैं उसको रोज करते हैं, इसको इसको मध्यम भक्त। भले उत्तम भक्त को नहीं सबसे श्रेष्ठ भक्त, खुद भी भक्ति कर लेते हैं और दूसरों को भी समझा करके दूसरों को भी प्रभु के भजन में जो लगा दे, अपना भक्ति भी कर ले और दूसरों को भी भक्ति में लगा दे, ये उत्तम भक्त। इसलिए हमें उत्तम भक्त चाहिए, नहीं तो साधारण भक्त होगा ना ऐसे भजन कर रहे हो, बोले किसी विचार विचार सुनने का क्या जरूरत है, जैसे भजन कर रहे हो किसी ने अगर बोल दिया ऐसे बेकार क्या तीन बार माला लेकर कर रहे हो, या तिलक लगाने से क्या होता है, गले में कंठी दूसरों को दिखाने का क्या जरूरत है, फिर क्या करेगा उसी दिन माला रख लेगा और तिलक तिलक करेगा कि गला से कंठी बदलता है। यदि ये सबसे नीचा भक्त है हां, जिनकी भक्ति बड़ी डामाडोल से भक्ति है हां, कभी किसी की डामाडोल से नहीं, ऐसे नहीं बनना, हमें भक्ति बनना है पक्के हां, पक्के भक्ति बननी चाहिए, डामाडोल से भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये सब बात तो सुनोगे ना जो रूप शिक्षा दिव्य अच्छी बात है, अगर इसको सुन लोगे ना तुम्हारी भक्ति एकदम पक्की हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति इतने बढ़िया टपी है और इसको स्वयं भगवान अपना मुंह से के बात को ठाकुर जी स्वयं की बात को कह रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ भक्त को ये बात सिखा दे, इसलिए ये कथा बड़ी अच्छी कथा ठीक है ना। इसलिए टाइम से आ जाओ और जल्दी से जल्दी हम कथा को जल्दी जल्दी विश्राम कर देकर अपना घर में जाकर अपना काम कर सकते, इसलिए ठीक है हम सब के सब खड़े हो जाए। ठाकुर हो गया कि नहीं ठाकुर जी, प्रभु जी हाँ ठाकुर जी आरती करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Jai 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 Jai
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Thank you.
Hari 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 Hari
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Hey, hey, hey.